ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही उमेश सबके सामने सारा सच बता देगा और वैदिका और डॉक्टर पल्लवी का सच सबके सामने आ जाएगा। और दादी को इस बात का जहां शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, वैदिका कुछ तो गेम खेल रही है, वहां आज नायरा के सामने इस बात का खुलासा हो गया कि वैदिका ने उसे किडनी दी ही नहीं थी। दरअसल ये इंसान जो उमेश है इसने दी थी किडनी और ये सब खेल है डॉक्टर पल्लवी का। नायरा उस बंदे का पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां उसकी और डॉक्टर पल्लवी की सारी बातें सुन लेती है, मतलब उमेश जिस बंदे ने किडनी दी है और डॉक्टर पल्लवी की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि पूरा सच क्या है। और अब दादी से रिक्वेस्ट करेगी कि वैदिका का कहीं और चेकअप कराया जाए, सोनोग्राफी कराई जाए। ये सोनोग्राफी पल्लवी के हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, कहीं और सोनोग्राफी से साफ पता चल जाएगा कि वैदिका की दोनों किडनी हैं या नहीं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दादी भी इस बात के फिराक में है कि कैसे भी करके इस सच को कार्तिक तक लाया जाए, पूरे घर के सामने लाया जाए। किस तरह वो कार्तिक को ब्लैकमेल कर रही है, किस तरह उसने कार्तिक के साथ गेम खेला और कार्तिक को डिवोर्स देने से साफ मना कर दिया। यहाँ आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक कैरव के साथ और वैदिका के साथ कार्तिक के कोच के पास जाएगा, फुटबॉल कोच के पास, और रास्ते में कुछ बातें होंगी। वैदिका कैरव पर चिल्ला देगी, कार्तिक का रूप यहाँ देखते बनता है। वो सीधे वैदिका को कहेगा कि तुम इस तरह मेरे बच्चे से बात नहीं कर सकती, तुम्हें कोई हक नहीं है, मेरी साथ तुम्हारी डील हुई है, मेरे बच्चे के साथ तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, यहाँ कार्तिक एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि मैं शरीर से तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, पर मेरा दिल मेरा मन हमेशा कैरव और नायरा के पास रहेगा। वैदिका को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो कार्तिक को कितना भी कुछ कर ले, वो कार्तिक को कभी पा नहीं पाएगी और ना ही कार्तिक की ज़िंदगी में पत्नी की जगह ले पाएगी। लेकिन वैदिका उसके दिमाग में तो पल्लवी की बातें भरी हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वैदिका कार्तिक के साथ हनीमून पर जाने का प्लान बनाएगी और दादी इस पूरे प्लान का फ़ायदा उठाएंगी और वैदिका का चेकअप यानी वैदिका की सोनोग्राफी किसी और हॉस्पिटल में करवाएंगी। आने वाले एपिसोड में आई एम श्योर मेकर से दिखा सकते हैं कि नायरा उस बंदे को यानी उमेश को सबके सामने ले आएगी और उमेश सबके सामने वैदिका और डॉक्टर पल्लवी का सारा सच बयां कर देंगे। क्या होगा इस सच के बाद वैदिका का और डॉक्टर पल्लवी का? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।